बिहार में एक बार फिर से आज मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिलेगा। पटना समेत 17 जिलों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है और बाकी जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश होने की आशंकाएं जताई जा रही है। आपको बताते चले कि इधर मौसम विभाग ने बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके पहले जब बिहार में यास चक्रवर्ती तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था तो बिहार में इसका खासा असर देखने को मिला। पटना की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई और बारिश इतनी हुई कि यास चक्रवर्ती तूफान का पूरा असर बिहार में देखने को मिला है। एक बार फिर से मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिल सकता है। आपको बताते चले कि पटना समेत 17 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है कि तेज आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार में 24 घंटों में आंधी पानी के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी की स्थिति देखी गई। पटना में मंगलवार की दोपहर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बाद यह अनुमान है कि तापमान बढ़ने की स्थिति में राज्य में अन्य जगहों पर इस तरह की हवा और बारिश होगी। पिछले 24 घंटों में रजौली और जोगीहाट में 60 मिलीमीटर, सिसवन, कोइलवर, बिहपुर, दिनारा और रुपौली में 40 मिलीमीटर तथा समस्तीपुर, अरवल और साहिबगंज में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण छत्तीसगढ़ व उसके आसपास है। वहीं झारखंड व बिहार के ऊपर से ट्रफ लाइन गुजर रही है। मौसम पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 जून तक सूबे में मानसून के आगमन के आसार हैं। मानसून के बादल आम बादलों से अलग होते हैं। 150 से 200 किलोमीटर तक इन बादलों का विस्तार होने से एक साथ कई जगहों पर बारिश होती है। बिहार में मानसून का प्रवेश पूर्णिया, पटना, गया और छपरा की तरफ से होता है। इधर मानसून के पहले राजधानी पटना में लगातार तेज आंधी और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों यास चक्रवर्ती तूफान को लेकर के जब बिहार में अलर्ट किया गया था तो इसका पूरा असर बिहार में देखने को मिला। अब जब मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से पटना समेत 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि तेज आंधी और बारिश हो सकती है और वहीं कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश होने की आशंकाएं जताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर से जब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है तो फिर कितना असर बिहार में देखने को मिलता है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।